उधर भी दिख रहा है हमारे एचडीएफसी बैंक। उसके बाद हमारा ये सेम हाई हेलो वेलकम यू ऑल इन यूट्यूब बायोलॉजी वाला। सो गाइस एज यू ऑल नो दैट दिस इज द 11th लेक्चर फाइनली ऑफ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्लास 10th बायोलॉजी। ओके तो आज इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, आज हम बात करेंगे अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन और स्पेसिफिकली हम मेल के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में आपको बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिलेगा, बहुत सारी नई चीज़ों से आप इंट्रोड्यूस होंगे और आपको बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको इसमें पता लगेंगे और आपके सारे डाउट्स आई होप एट द लास्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर छोटे मोटे डाउट आ भी जाते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए तैयार रहता हूँ, ठीक ना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट द प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है, जैसा कि हम प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर से हमारा बर्थ ही होता है, ठीक ना, जैसा कि उसमें क्या आ सकता है, हमारा टेस्टिस आ सकता है, पेनिस आ सकता है, ठीक ना। तो ये हमारे प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं जो कि हमारे बर्थ से ही मिलते हैं और बर्थ से ही पता लगा सकते हैं कि हम मतलब कि जैसे कि अगर बच्चा बर्थ होता है तो उसके उस ऑर्गन को देख करके, ठीक ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को देख करके पता लगा सकता है कि ठीक ना कि ये मेल है या फीमेल है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हमारे कब स्टार्ट होते हैं, प्यूबर्टी के बाद। अब प्यूबर्टी क्या होती है अभी तीसरे नंबर डिस्कस करेंगे। तो आप इतना समझ लीजिए प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर वो होता है जब हम प्यूबर्टी स्टेज में आ जाते हैं, मतलब कि हमारा उम्र जब हो जाता है 13 से 14 साल हम पहुंच जाते हैं। अगर मेल की स्पेसिफिकली बात करें, मेल का प्यूबर्टी स्टेज हो जाता है 13 से 14 साल के तक स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना, और फीमेल में 11 से 12, ठीक ना। तो हमारा जब 13 से 14 स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद हमारे कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हमें दिखना शुरू हो जाता है, जैसे कि हमारे फेशियल मतलब कि क्या हो जाते हैं, फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाते हैं, ठीक ना, ये मोस्टिच और ये बियर्ड्स, उसके बाद आर्म पेट्स, ठीक है, उसके बाद प्यूबिक एरिया में और भी, उसके बाद हमारी मतलब कि जर्मिनल सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि स्पर्म होता है, ठीक ना। वैसे तो आप स्पर्म को नहीं देख के पता लगा सकते और आप बाहर से देख के पता लग सकते हैं, ठीक ना, आर्म पेट्स हैं कि नहीं, उसके बाद फेशियल हेयर ग्रोथ हुए कि नहीं, आप इससे पता लगा सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है हमारा, मतलब कि स्टार्ट हो गया है, ठीक। वो स्पर्म तो आप वो तो अंदर चीज़ है, ठीक ना, उसको उसके बाद बात करते हैं अबाउट द प्राइमरी प्यूबर्टी स्टेज। प्यूबर्टी स्टेज क्या होता है, प्यूबर्टी स्टेज अभी मैंने आपको बताया कि मेल में 13 से 14 मतलब कि साल से स्टार्ट हो जाता है, जब हम 13 से 14 साल के हो जाते हैं तो हमारा प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट हो जाता है। इसमें हमारे फेशियल हेयर्स और प्यूबिक हेयर्स और आर्मपिट्स और वगैरह वगैरह क्या होते हैं, ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि देखिए इसमें क्या होता है कि हमारी 1 से लेकर के धीरे 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 11 से 12 साल तक, 13 साल तक मान लीजिए मेल में क्या होती है, धीरे धीरे मतलब कि उनकी ग्रोथ होती है, बॉडी की ग्रोथ होती है, बॉडी बढ़ती रहती है। लेकिन उसके बाद 14 साल या 13 साल पहुँच करके या 15 साल पहुँच करके इतना मान लीजिए, तब उनकी हाइट रुक जाती है। उसके बाद उनके क्या हो जाते हैं, उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो होना शुरू हो जाते हैं। जब ग्रोथ रुक जाती है तब बाकी बॉडी के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैसे शो होगा, मतलब कि जो होना चाहिए वो सब हमारे क्या हो जाता है, ग्रो होना शुरू हो जाता है, और जिसमें कि हमारा ये सब आता है हेयर्स, ठीक ना। उसके बाद अब बात करते हैं अबाउट द इस फिगर के बारे में। तो ये हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम है, इसको हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। बाकी सब ने मैं यहाँ पे टर्म्स अलग से डिस्कस करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे बात करते हैं, देखिए ये हमारा सबसे ऊपर वाला है, इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिखा है स्क्रोटम और यहाँ पे दो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, वैसे तो ब्लू कलर का होती नहीं, मतलब कि आपको इंडिकेट करने के लिए दिया है इसे। तो ब्लू कलर का हमारा क्या है, टेस्टिस है। उसके बाद ये हमारा जो टेस्टिस से निकला हुआ ये हमारा जो नब दिख रहा है, ठीक ना, तो इसको बोलते हैं वॉश डिफरेंस। इसमें से क्या होता है, टेस्टिस ऐसे निकल के जाता है, ऐसे इजैकुलेशन के, मतलब जब स्पर्म को इजैकुलेट किया जाता हो, मतलब कि स्पर्म के इजैकुलेशन के टाइम पर यहाँ से मतलब स्पर्म क्या होता है, ट्रैवल करके जाता है और उसके बाद लास्ट में कहाँ तक जाता है, उसके बाद कैसे इजैकुलेट होता है, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारा ब्लैडर है, ठीक है, जिसमें कि यूरिन हमारा क्या होता है, स्टोर होता है एकदम पूरा लास्ट में आकर के यहीं स्टोर होता है। उसके बाद हम जब हम अपने ब्रेन को मैसेज देते हैं, ठीक ना, कि अब इजैक्युलेट किया भी जाए यूरिन के, तब हमारा यूरिन भी इसी रास्ते से होता है और हाँ, इसी रास्ते से हमारा स्पर्म भी क्या होता है, इजैक्युलेट होता है और इसी से हमारा यूरिन भी निकलता है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द सेमिनल वेसल, ठीक ना। सेमिनल वेसल क्या होता है,
सेमिनल मिसल आप बेसिकली समझ लीजिए, सेमिनल मिसल जब हमारा स्पर्म यहाँ बनता है ठीक है ना, इस टेस्टिस में बनता है। अभी टेस्टिस का पूरा यहाँ पे समझेंगे ठीक है ना। टेस्टिस से जब मान लीजिए यहाँ पे स्पर्म बन गया ठीक है ना, और यहाँ पे एपिडिडाइमिस में है ठीक ना, यहाँ से निकल करके ऐसे 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 यहाँ पे आया, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है सेमिनल मिसल ठीक है ना, यहाँ पर भी यहाँ पर भी ठीक। तो सेमिनल मिसल क्या करता है, इसमें देखिए यहाँ पे मैंने भी लिखा भी है, ये हमारा फ्रक्टोज ऐड करता है। फ्रक्टोज क्या होता है, एक एनर्जी का पैकेट होता है ठीक है ना, एनर्जी का पैकेट आप कह सकते हैं, फ्रक्टोज बफर्स है, उसमें डालता है ताकि सेल को एनर्जी मिल सके। आखिर उसको जब फीमेल वाले रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब मतलब कि एंटर करना होता है, तो उसको फेलोपियन ट्यूब तक जाने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए मतलब कि बहुत एनर्जी चाहिए होती है, वहाँ तक ट्रेवल करने के लिए कुछ तो एनर्जी चाहिए होती है ना। तो उसको मतलब कि एक तरफ से कह सकते हो ना, ग्लूकोज इसको ऐड करता है या उसको फूड देता है फ्रक्टोज ठीक ना, मतलब सेमिनल वेसल उसको देता है, ये फ्रक्टोज का बफर्स पैक करके देता है। उसके बाद क्या है कि प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड हमारा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, जो कि हमारा क्या करता है, अल्कलाइन बफर्स को मतलब क्या कह सकते हो, अल्कलाइन बफर्स को उसमें देता है। अब अल्कलाइन बफर्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारा जब जब आप सभी को पता होगा, आपको नहीं पता होगा तो बता दूँ, फीमेल में जो विजाइनल वाला पार्ट होता है उसके अंदर जाएंगे आराम, मतलब जब स्पर्म एंटर करता है तो कभी कभी वहाँ पे एसिडिक मीडियम ही मिल सकता है, ताकि वहाँ पे मतलब कि जो स्पर्म है वो डाई हो जाए, मतलब मर जाते हैं ठीक ना। तो वहाँ पे एसिडिक मीडियम होने के कारण उसे बच जाए स्पर्म, इसीलिए क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड इसमें क्या स्टोर करके देता है, इसमें अल्कलाइन बफर्स ऐड करके देता है। अल्कलाइन आप सभी लोग को पता होगा, ये तो बेसिक होता है ठीक ना, मतलब कि सोल्युबल बेस होता है, तो वहाँ पे एसिडिक मीडियम में बच सकता है अगर ये मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड इसमें अगर स्पर्म में क्या दे दे, अल्कलाइन बफर्स को दे दे ठीक। और उसके बाद हमारा क्या है, हमारा है कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड क्या होता है, ये भी हमारा क्या करता है, देखिए ये म्यूकस प्रोवाइड करता है, म्यूकस रिच फ्लूइड, यहाँ पे RF मतलब रिच फ्लूइड है ठीक ना, तो RF मतलब रिच फ्लूइड। तो क्या हो गया, कॉपर्स ग्लैंड क्या करता है कि जैसे कि अब यहाँ तक तो आ गया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पर भी मतलब कुछ कुछ यूरिन मतलब कि रहता है ठीक है, कुछ मतलब कि थोड़े थोड़े फॉर्म में बचा रहता है। और आप सभी को पता है यूरिन क्या होता है, हमारे एसिडिक होता है इन पीएच ठीक है ना, तो कभी कभी क्या होता है ना, स्पर्म की मतलब इजेगुलेशन के टाइम पर यहाँ से स्पर्म आता रहता है, लेकिन यहाँ पे कुछ एसिडिक मीडियम उसको मिल जाते हैं और वहाँ पर भी स्पर्म के मरने के चांसेस हो जाते हैं, वहाँ पे डाई होने के चांसेस हो जाते हैं, इसीलिए ये कॉपर ग्लैंड क्या करता है, म्यूकस प्रोवाइड करता है। सो म्यूकस आप सभी को पता है एसिडिक मीडियम में मतलब एसिड से बचाने के लिए म्यूकस किसी भी चीज़ को दिया जाता है, जैसे कि स्पर्म में मैंने मतलब आपको पेट वाले में बताया था ठीक ना, स्टमक में, स्टमक के बाहरी लाइन पे मतलब इनर वाली लाइन पे क्या पाया जाता है, म्यूकस लेयर पाया जाता है, ताकि वो HCl से बच सके ठीक ना। तो वैसे ही इसको म्यूकस प्रोवाइड करता है ये ठीक है, स्पर्म को पहले मतलब स्पर्म में क्या कर सकता है, आप कह सकते हो कि सीमन में, ये तीनों क्या करते हैं, सीमन में, ये सीमन में फ्रक्टोस मिलाता है, ये सीमन में अल्कलाइन बफर्स मिलाता है, और उसके बाद ये सीमन में क्या करता है, म्यूकस रिच फ्लूइड क्या करता है, ऐड करता है, ताकि म्यूकस रिच फ्लूइड क्यों ऐड करता है, क्योंकि ये अल्कलाइन रहे, मतलब कि एसिडिक मीडियम से बचा रहे, आप ये कह सकते हैं ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा ये क्या है, ये हमारा है यूरेथ्रा ठीक है, यूरेथ्रा ये वाली लाइन ठीक है, जहाँ से आखिर में इस रेगुलेशन होने का होता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, एपिडिडाइमस, ये हमारा क्या है, एपिडिडाइमस, जो स्पर्म के बगल में इसे थोड़ी सी आपको लेयर दिख रही है चमड़ी जैसे ऐसी, तो वो क्या होता है, एपिडिडाइमस ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए टेस्टिस भी बनता है स्पर्म, और यहाँ पर स्टोर होता है आप कह सकते हो ठीक ना। उसके बाद जब इस रेगुलेशन के टाइम पर यहाँ से निकल करके ऐसे ऐसे निकलता है। उसके बाद हमारा क्या है, पेनिस, पेनिस से क्या होता है, ये हमारा कॉपुलेशन में हेल्प करता है, कॉपुलेशन, सेक्सुअल कॉपरेशन, या कॉपुलेशन आप कह सकते हो, इंटर सेक्सुअल इंटरकोर्स में ये क्या करता है, हेल्प करता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी, इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये हमारा है टेस्टिस का स्ट्रक्चर। अब टेस्टिस में यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो आपको ये दिख रहा है, ये अंदर अंदर ऐसे ऐसे जहाँ पर स्पर्म बनता है, देखिए ये टेस्टिस था। अब टेस्टिस के अंदर कहाँ स्पर्म बनता है, इन इनके मतलब इनका नाम क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल ठीक है ना, सेमिनिफेरस ट्यूबुल, ये सब इतने इतने मतलब कि और भी ट्यूबुल्स होते हैं ठीक ना। तो यहाँ पे कुछ ही मैंने डायग्राम में शो किया है। तो इसमें क्या होता है, स्पर्म बनते हैं, उसके बाद यहाँ से स्पर्म बनते हैं, यहाँ से निकलते हैं, यहाँ कहाँ से निकलते हैं, ये रेटी टेस्टिस से ठीक ना। रेटी टेस्टिस क्या करता है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल को मतलब सेमिनिफेरस ट्यूबुल से स्पर्म को लेके आ करके कहाँ पर लेके मतलब कहाँ तक छोड़ने का काम करता है, मतलब कि क्या है, इफरेंट डक्टाइलिस ठीक ना, इफरेंट डक्टाइलिस तक यहाँ मतलब कि जो स्पर्म होता है ये रेटी टेस्टिस यहाँ से उठा करके यहाँ तक लाने में मदद करता है ठीक ना। और आप इसको ये भी बोल सकते हैं
इफरेंट लिटरली इसको बोल सकते हैं आप वासा इफरेंसिया, क्या बोल सकते हैं वासा इफरेंसिया, इसको आप बोल सकते हैं ठीक ना। वासा इफरेंसिया में यहाँ से पहले स्पर्म बनता है, फिर ये क्या करता है, ये यहाँ से स्पर्म यहाँ तक लाने में मदद करता है, आप इतना समझ लीजिए रेडियोडाइस्टिस का ये काम है। उसके बाद ये क्या है हमारा एपिडिडाइमस, और यहाँ पर क्या होता है स्पर्म यहाँ पर आता है, जब यहाँ से मतलब कि इधर से निकल गया फिर इधर से आके यहाँ पे रुका है अभी तक। उसके बाद यहाँ से जब इजेकुलेशन के टाइम पर यहाँ से भी ये निकलता है, उसके बाद इस मतलब कि वास डिफरेंस से यहाँ से आकर के फिर प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक ना, सबसे पहले यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूबुलर, फिर उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड से कॉपर्स ग्लैंड, फिर यहाँ से यूरेथ्रा से इजेकुलेशन हो जाता है ठीक ना। स्पर्म का ऐसी इजेकुलेशन होता है। और बाकी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है हमारा टेस्टिस ही है ठीक ना। उसके बाद उसके बाद जो हमारा ये सेमिनिफेरस ट्यूबुलर को हम क्या बोल सकते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बोल सकते हैं। यही स्पर्मेटोगोनिया वही सेल है जो कि बाद में जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं ठीक ना। तो ये स्पर्मेटोगोनिया कहाँ बनता है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर बनता है ठीक ना। यही डिवाइड करके मायोसिस करके क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं। और आप इतना समझ लीजिए स्पर्म क्या होती है, स्पर्म और सीमन में क्या अंतर होता है ठीक ना। मैंने आपको यहाँ पर बताया ना फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज सीमन में ऐड किया जाता है, अल्कलाइन बफर्स सीमन में ऐड किया जाता है ना। तो सीमन क्या होता है, सीमन पूरा ढेर सारा मतलब स्पर्म की संख्या होती है, बहुत सारा मतलब मिलियंस ऑफ स्पर्म मिलकर क्या बनाते हैं, सीमन बनाती है। और सीमन और उसके बाद स्पर्म क्या होता है, स्पर्म एक सिंगल यूनिट, एक सिंगल सेल को कहता है स्पर्म, और बहुत सारे जब मिलियंस ऑफ आ जाते हैं उसको बोलते हैं सीमन ठीक ना। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे एक सीमन की स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया गया लेकिन आपको मैंने आपको बताया था, मैं आपकी हर वीडियो में मतलब कि ओलंपियाड लेवल तक के कंटेंट आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो सभी वीडियो में दूंगा, ऐसी बात नहीं ठीक ना। तो यहाँ पर ये हो गया। अब बात करते हैं इसके स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ पर मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया ठीक ना। सबसे पहले मुझे यहाँ से डिस्कस करना चाहिए, ये सबसे ऊपर वाली लेयर आपको क्या दिख रही है, प्लाज्मा लेयर है ठीक ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक। उसके बाद ये हमारा ये ऊपर से आपको दिख रहा है ऐसे, ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारा है एक्रोसोम, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, एक्रोसोम ठीक ना, एक्रोसोम इसको बोलते हैं। उसके बाद हमारा ये क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर आपको सभी को पता होगा डीएनए, और आप सभी को पता होगा कि जो हमारे पेरेंट्स हैं जितने भी मतलब कि इन्फॉर्मेशन होती है कि पेरेंट्स के बाल कब तक थे, उनके पेरेंट्स के कौन से अंग नहीं थे या कौन से अंग ज़्यादा थे, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन इसी में स्टोर रहती है, इस न्यूक्लियस के क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होती है, डीएनए के अंदर जो जीन होती है उसकी यूनिट ठीक ना, उसके अंदर क्या हो रही है, सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, और इसी स्पर्म से दूसरे अपने बच्चे तक जाती है, मतलब कि पेरेंट्स से बच्चों तक यही स्पर्म क्या करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन लेके जाता है ठीक ना, यही रिस्पॉन्सिबल होता है ठीक ना, समझ लीजिए। उसके बाद हमारा क्या करता है, ये नेक है, नेक आप सभी क्या पता इसको मतलब क्या बताएं इसके बारे में। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जैसे कि अभी स्पर्म को जाना होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, तो माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी भी चाहिए होता है ठीक है, तो एनर्जी प्रोवाइड करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को, तो स्पर्म क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। और असल में मूव करने के लिए यहाँ पे टेल की जरूरत होती है, टेल से इसकी क्या होती है, स्पीड मस्त मतलब बढ़ती रहती है, मतलब आराम से स्पर्म क्या कर सकते हैं कि टेल की मदद से बहुत तेज़ी से क्या कर सकता है, मूव कर सकता है ठीक। उसके बाद हम क्यूक रीजन कर लेते हैं, पहले यहाँ पे स्पर्म कहाँ से बना है, सबसे पहले यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में यहाँ पे स्पर्म बना ठीक ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उसके बाद ये कहाँ गया, रेडियोडाइस्टिस ठीक ना, तो रेडियोडाइस्टिस यहाँ से लेके आया स्पर्म यहाँ तक, कहाँ तक लेके आया, यहाँ तक लेके आया इफरेंट डक्टलिस तक लेके आया ठीक ना, तो इफरेंट डक्टलिस लेके आया, फिर यहाँ से क्या हो गया, इफरेंट डक्टलिस से यहाँ पे मैंने नोट नहीं किया, आप नोट कर लीजिए। तो उसके बाद इफरेंट डक्टलिस से आ गया हमारा एपिडिडाइमस तक ठीक ना, एपिडिडाइमस के बाद ये हमारा चला गया वास डिफरेंस तक ठीक ना, वास डिफरेंस आप सबको पता होगा, यहाँ से ये भी है वास डिफरेंस ठीक ना, वास डिफरेंस से आकर कहाँ जाएगा, इस रेगुलेटरी ड्रैक्ट, उसके बाद हमारा कहाँ जाएगा, यूरेथ्रा ठीक ना, इस रेगुलेटरी ड्रैक्ट आप सभी को पता होगा, उसके बाद हमारा यूरेथ्रा मतलब जहाँ से इजेकुलेट हो जाता है ठीक। और आप ये तीनों ग्लैंड के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, और इनकी फंक्शन मैंने जिसकी दिया है ठीक ना। अगर आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपको इस लेक्चर में सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, छोटे मोटे डाउट है तो आप हमारे नीचे दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दिल खोल के एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरी आज की स्पीड में थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है क्योंकि मैं सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड आई हैव टू गो टू स्कूल ठीक ना, बस आने वाली है और मुझे जल्दी से तैयार होकर जाना है स्कूल। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से, वैसे तो मैं फ्री ही था एक तरफ से, लेकिन स्कूल भी जाना था एक तरफ से ठीक ना। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक ना, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एकदम मज़ेदार तरीके से, और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी ठीक ना। और इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जय हिंद जय भारत।